पूरे शहर मेरझाल है, एक बड़ा सा टैंकर है, माशाल्लाह बारकल्ला नई गाड़ी लग रही है, महर मेर आरिफ, उसके बाद हंजरा ब्रदर्स, उसके बाद ये स्कूल को छुट्टी हुई है, बच्चे बेतहाशा मौजूद हैं सड़क के ऊपर, रफ्तार कम कर ली है, बच्चे सड़क क्रॉस कर रहे हैं और जनाब पेटियां बन के सड़क पे रखी हुई हैं, पुरानी रखी हुई हैं, नहीं बनती होंगी यहाँ पे साइड पे, ये डेकोरेशन है सीमेंट के पाइप और सीमेंट के पिलर कंक्रीट के, और ये आदमी सिगरेट पी रहा है, साइकिल पे बच्चा अपने बाप के साथ जा रहा है, और बरकत फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट हॉस्पिटल है, बरकत मैरिज हॉल है, बाएं तरफ मस्जिद है, उसके बाद एक शादी के जैसे फंक्शन में जैसे लिबास में औरत है, तो यकीनन यहाँ पे को आस पास शादी हॉल भी होगा जहाँ से ये आई हैं या जहाँ को ये जा रही हैं। उसके बाद बगैर फ्रंट नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल है, दिन आलिम स्कूल है, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं, ध्यान उनका सड़क की तरफ नहीं है और वो सड़क क्रॉस कर रहे हैं, तो CG 125 धुला धुलाया साफ सुथरा खड़ा है, फर्नीचर का शोरूम है, वर्कशॉप है, 4-स्टार साइंस एकेडमी सत्रह है, पंजाब मोटर्स सत्रह है, सीमेंट की डेकोरेशन वाली चीज़ें हैं, शेख आलम मोटर्स है, लोडर रिक्शे खड़े हैं, दरख्त लगे हैं, बाबू मोहम्मद रिजवान MPA, उसके बाद लिखा है होंडा ऑटो शोरूम, मेरे आगे एक गाड़ी है ब्लैक कलर की, स्याह रंग की, काले रंग की गाड़ी है बड़ी माशाल्लाह बारकल्ला, इब्राहिम किराना स्टोर है, CG 125 है, उसके बाद फिर से केले रेडी के ऊपर बिक रहे हैं, अलहमद गारमेंट्स है, इस पूरे इलाके में अलहमद के नाम से बहुत सी दुकानें और बहुत से कारोबार हैं जो अलहमद के नाम से हैं, जिनके नाम सिंधु स्वीट्स है, अल आसिफ गुजर बेकर्स है, और उमेर ऑटो सर्विस है, नुमान गारमेंट्स है, लोडर रिक्शे हैं, लाहौर बुटीक है, सफ़ेद लिबास वाली छोटी बच्चियां हैं स्कूल की, नेशनल लेबॉरेटरी है, न्यू कायद पब्लिक हाई स्कूल है सत्रह का, सामने एक बड़ी बस है दरमियाने साइज़ की, जेट ब्रदर्स उस पर लिखा है, स्कूल की वर्दी वाली बच्चियां हैं उसमें, फैमिली मोटरसाइकिल पे जा रही है, उसके बाद वो सामने मस्जिद के मीनारे हैं, रोड मुड़ता है दाएं तरफ, गाड़ी रुक गई है रास्ते की वजह से, अबाए वाली औरतें हैं, दाएं तरफ मोटरसाइकिल पे नीले सूट वाला आदमी है, इंसाफ शूज हाउस है, मोटरसाइकिल बंद हो गया है, बेशर्म है, अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ओहो चलो जी, अब जनाब बैग वाली दुकान है और कुछ प्राइवेट चीज़ों वाली दुकान है, उसके बाद स्टूडियो है, रिक्शे हैं, उसके बाद मलक इलेक्ट्रॉनिक्स है, लियाकत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद अलहरम प्रॉपर्टी एडवाइज़र है, दाएं तरफ एक बड़ा गुंबद दिखाई दे रहा है जो पिछली तरफ है इन दुकानों के, उसके बाद ज़ाहिर कोई दरबार होगा, उसके बाद अली रज़ा ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाने वाला एक चांद गाड़ी वाला आदमी है, उसके बाद टेंट सर्विस की दुकान है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, मरकज जामिया मस्जिद मरकजी रहमानिया है, उसके बाद हमज़ा ऑटो सर्विस है, उसके बाद रिक्शा है, 70 पे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का सड़क क्रॉस कर रहा है, ध्यान उसका दूसरी तरफ है, गुलनार फ्रूट चाट, गुल फूल और नार औरत, फूल जैसी औरत, गुलनार फूल जैसी औरत, यही मतलब होता होगा, या गुलनार का मतलब होगा खूबसूरत, मोटरसाइकिल है, फैमिली है, गाड़ी है, ओ ये शायद अमरूद हैं मोटरसाइकिल पे, छोटा बच्चा भी आगे बैठा हुआ है, उसके बाद पेट्रोल स्टेशन है बाएं तरफ, उसके बाद मेरा ख्याल है गुलनार का मतलब है आग जैसा फूल, नार आग को भी तो कहते होंगे ना, गुलनार के सुरख ऐसा ही होता है, सुरख जैसे सुरख गाल होते हैं, उसके बाद गाड़ी शायद मुड़ना चाह रही है, हाँ जी ये शादी हॉल है, कसरे नूर मैरिज हॉल, मैं पहचानता हूँ इसको,
उसके बाद इवान ब्रदर्स राइस मिल, उसके बाद ट्रांसफार्मर है, झाड़ियां हैं, खड्डे हैं, इमारतें हैं, खेत हैं। रास्ता क्यों बंद है, सिक्योरिटी क्यों टाइट है, आर्मी भी है डिप्लॉय, तो इसका मतलब है कि ये वही है। अच्छा अच्छा हाँ यही है वो। अच्छा उसके बाद बकरियां हैं, उसके बाद कुछ लिखा था वो मिटा हुआ है मार्बल के ऊपर। छोटा सा स्टाफ है, जुनेद जमशेद गुजर मिल्क शॉप थी या पान शॉप थी ऐसा कुछ लिखा था। मैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, होंडा पे दो बच्चे हैं छोटे 1-5 पे। उसके बाद वो भैंसे हैं खेतों के अंदर। उसके बाद मेरे सामने एक रिक्शा है जिसमें स्कूल की खवातीन टीचर तो होंगी जाहिर है, और बच्चे लटके हुए हैं, बैग भी लटके हुए हैं साइडों पे। और मेन गुजरांवाला पसरूर रोड इंटरसिटी रोड के ऊपर रिक्शा जा रहा है, अल्लाह ताला हिफाजत करे इनकी। उसके बाद थाना 17 है, उसके बाद ताहर ऑटो वर्कशॉप है, उसके बाद एक बड़ी बस है जो सड़क के ऊपर बस आने ही वाली है, और ये बस है स्कूल वैन। उसके बाद 17 किलोमीटर यहाँ से पसरूर है, उसके बाद बिलाल कॉलोनी है, उसके बाद जनाबे वाला अदनान फार्मेसी है, अदान फार्मेसी है, जेड के मोबाइल सेंटर इलेक्ट्रिक स्टोर है। उसके बाद मुझे यहाँ पे रुक के एक ज़रूरी काम करना है, एक ज़रूरी फ़ोन करके फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। बल्कि फ़ोन चलो जी, रोड बहुत ज़्यादा टूटा है, उसके बाद वही चंदा जमा करने वाले भाई साहब बैठे हैं। ये जो आदमी चंदा इकट्ठा करने के लिए सड़क पे मौजूद रहते हैं, ये अपना सारा दिन इसी काम में लगा देते हैं। इनको बंदा क्या कहे, अब ये कोई काम भी कर सकते हैं। चंदा बॉक्स लगा, जिसने चंदा देना है वो उसमें डाल देगा। मस्जिद रेत अमीर है तो वहाँ पे चंदा बॉक्स तो लगा हुआ है। एक आदमी सारा दिन अगर चंदा ही इकट्ठा करता रहेगा तो वो अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा कहाँ से, वो कमाएगा कहाँ से, वो काम क्या करता होगा फिर। पेट्रोल पंप है टोटल का नहीं वाइटल का, वाइटल लिखा हुआ है। सामने एक वैगन है जो पसरूर से आ रही है, और उसके बाद मार्बल की छतें हैं, गिल फ्रूट चाट है। पसरूर 16 किलोमीटर है। यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी ब्रेक लूँगा क्योंकि मेरा गला थक गया है, मैं थोड़ा सा पानी शानी पीऊँगा। सैन मार्बल फैक्ट्री जमान मुगल पट्टी बॉर्डर वगैरह दस्तयाब है। चलो जी, उसके बाद हुसनैन ऑटो सर्विस, और ये स्कूल है शायद, हाँ स्कूल की छुट्टी हुई है तो ये दिनालिज स्कूल, तो ये इन्होंने बैरियर लगा के रास्ते को थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा रास्ता उन्होंने रोका है। उसके बाद मिर्ज़ा कोल्ड कॉर्नर, कार ट्रैकर फ़ोन नंबर लिखा है साथ, डेरा है चोरी सदाकत अली। उसके बाद है आगाज़ हाउसिंग, आगाज़ एक नए मुस्तकबिल का। सड़क के किनारे एक बुज़ुर्ग वो घास जो है वो काट रहे थे, एक खातून अकेली जा रही हैं, बुज़ुर्ग खातून बाएं तरफ रेडी है जिसके ऊपर फ्रूट बिक रहा है, बेचने के लिए जा रहा है या बेच के आ रहा है। मिस्त्री जो है वो घर को प्लस्तर कर रहे हैं डिज़ाइन के साथ। एक छोटा सा